हमारे वरिष्ठ मंत्री पी डब्ल्यू के भजनलाल यादव साहब, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक सागरा भाई आलोक बेनीवाल जी, सतबीर चौधरी जी उपाध्यक्ष राजस्थान क्रीड़ा परिषद, डॉक्टर देवस्वरूप जी आपके डायनेमिक वाइस चांसलर, यहाँ तमाम प्रधान हुए फैकल्टी के तमाम मेम्बरान भाई और बहनों नौजवान साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के शिलान्यास समारोह के अवसर पर मुझे बहुत खुशी है कि एक सपना जो देखा था वो साकार हो रहा है। दूसरी बार जब मैं आप लोगों का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने डॉक्टर साहब के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हृदय जोशी के नाम से पत्रकारिता यूनिवर्सिटी। पता नहीं सरकार बदलती है तो काम रुकने नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में कई बार सरकार बदल जाती है पर जनता के जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए। पर दुर्भाग्य से पिछली बार जो सरकार थी उसने दो विश्वविद्यालय, एक तो यही नाम बैठे और एक हृदय जोशी के नाम वाला पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दोनों को वापिस असेंबली जा करके विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मैंने सुना, देवस्वरूप जी तो यूजीसी में रह रहे हैं ज़्यादा जानते होंगे, कोई विश्वविद्यालय बना है देश के अंदर एक बार वो कभी बंद नहीं हुआ है। पहली बार ये दो विश्वविद्यालय बंद किए गए। उसी वक्त मेरे दिल के अंदर ये भाव पैदा हो गए, अगर मुझे तीसरी बार मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का दोनों विश्वविद्यालय वापस शुरू करके दिखाऊंगा। और वो मौका मुझे दिया प्रदेश की जनता ने। जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया तो पहला काम मैंने ये किया दोनों विश्वविद्यालय के वापस एक बनाया मैं। आज मुझे खुशी है कि शानदार कैंपस आप देख रहे हो कि बन रहे हैं यहाँ पर। 380 करोड़ लागत से बन रहा आपका ये परिसर, जिसमें 119 करोड़ रुपये तो स्वीकृत दे दी गई है फर्स्ट पेज की। इस प्रकार से शानदार कैंपस बन रहे हैं, शानदार आपका वाइस चांसलर बन गया यहाँ पर, जिसको मैं लेके आया हूँ। मतलब मैंने कई लोगों को रिक्वेस्ट की बनने के लिए वाइस चांसलर, तो देवस्वरूप जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, इसलिए इनका अलग तरह का मान सम्मान मेरे दिल के अंदर है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का विषय रहे तब भी इन्होंने जम के वहाँ काम किया, टीचर की भर्ती करी, 30-30 साल 20-20 साल अच्छी हुई भर्ती थी वहाँ पर। टेक्निकली कोई भी कारण से हो नहीं पा रही थी, नहीं मैंने सुना करी 350 टीचर भर्ती कर दिए, 350 टीचर भर्ती करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं, पूरा प्रोसेस कर ले किया है। इसका मतलब अब ये विश्वविद्यालय देश के अंदर शानदार लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। लॉ का क्या महत्व है, अभी राजेंद्र यादव जी आपको बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जो उत्तर सपना देखा था संविधान का निर्माण करना, उसकी अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात थी। आज़ादी के जंग के अंदर हमारे बड़े बड़े नेता ने त्याग किए, बलिदान किए, जेलों बंद रहे, लाठे खाई, गोलियां खाई, याद अज्ञात कितने फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और संविधान निर्माण करना। आज हमारा संविधान दुनिया के अंदर अलग पहचान रखता है। ये बाबा साहब के दिमाग का खेल था कि आज इस प्रकार का संविधान बना जो सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हमारी खुशकिस्मत है कि आज देश के अंदर आज़ादी के साथ में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर भी 100 साल लग गए
महिला को वोट का अधिकार देने के अंदर, बताइए आप। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान कहता है जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ उसी वक्त से महिला पुरुष बराबरी का अधिकार प्राप्त करेंगे। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि गजब की थी। जो मुझे खुशी है कि उनकी नाम का कोई विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर नहीं था, और मेरा दृढ़ निश्चय था कि एक विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर के नाम का होना चाहिए। अब तो शानदार कैंबर बन रहा है और आज देश में संविधान के बारे में हम कहते हैं कि देश और प्रदेश कानून का राज स्थापित रहेगा तो न्याय मिलेगा सबको। कानून का राज नहीं रहेगा तो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होंगे और न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पहला हमारा दृढ़ निश्चय राजस्थान के अंदर है कानून का राज रहे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो पुलिस को करनी चाहिए, किसी का अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो। और इसलिए हमने सरकार बनते ही और तो और जो FIR लौटनी होती थी पहले, आपको मालूम है कि भगा देते थे थाना वाले, मान सम्मान नहीं करते थे आने वाले का वहाँ पर। आज मैंने वहाँ स्वागत कक्ष बनवाए थानों के अंदर, थानेदार को और पुलिस के कांस्टेबल तक को लगना चाहिए कि स्वागत कक्ष का मतलब है कोई फरियाद लेके आए थाने के अंदर उसको सम्मान मिले बैठने का, स्वागत कक्ष। नंबर दो, FIR मैंने कंपलसरी कर दी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, FIR थाने में दर्ज करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करेगा तो SP ऑफिस वाले को करना पड़ेगा। इसके माने हैं FIR दर्ज होने लग गई तो संख्या बढ़ गई, तो आज विपक्ष के लोग कहते हैं आपकी बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, बड़ा नहीं है, हमने संख्या बढ़ाई है न्याय दिलाने सुनिश्चित करने के लिए, न्याय मिले। FIR दर्ज होगी तो फिर उसकी तफ्तीश भी होगी, नतीजा मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा। तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमने महिलाओं का अत्याचार नहीं हो हर जिले में अलग इकाई बनाई है, एडिशनल SP के रैंक की पोस्ट क्रिएट करी है, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई वर्ग का व्यक्ति हो, न्याय सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसके आधार पर लोकतंत्र कायम है देश के अंदर, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हमारे यहाँ। 75 साल के बाद में पाकिस्तान के अंदर कई बार सैनिकों का शासन होता है, मिलिट्री का, हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारजी भाई देसाई को सत्ता सौंपती, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी ने सत्ता सौंप दी, सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, खुद नहीं बनी। परंतु ये हमारी बहुत खूबी है, दुनिया लोहा मानती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे वहाँ मानगढ़ धाम पे, तो ये बात मैंने कही उनके सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में आपका सम्मान इसलिए होता है कि आप ये गांधी के देश से आए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के। ये हिंदुस्तान जाए जहाँ पर लोकतंत्र 75 साल में जड़ें मजबूत कर चुका है वहाँ पर, और डेमोक्रेसी का बांध, डेमोक्रेसी की भावना, डेमोक्रेसी का विचार बहुत बड़ा विषय होता है। मई बात आप होते हो डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी है इसलिए गरीब से गरीब आदमी को हमें जो नेता बनते हैं उनको पैरों हाथ लगाना पड़ता है, गरीब आदमी के भी वोट देना मेरे को आशीर्वाद दे, जो एक वोट का मालिक वो भी है। अगर वोट का मालिक वो नहीं हो तो गरीबों को कौन पूछता देश के अंदर। तो गरीब पूछ अगर हुई है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाई है कि हर गरीब तक जाओ, वोट मांगो, आशीर्वाद मांगो, ये कोई कम अधिकार नहीं है जनता के पास है। माई बाप जनता होती है, जब चाहे वो चुनती है तो आप MLA बनो, MP बनो, मंत्री मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, नहीं चुनती है तो आप घर जाकर बैठो। आज देश के अंदर दुर्भाग्य से दबाव है, जुडिशी पे दबाव भी है, फिर ED, इनकम टैक्स, CBI के कई आप देखते हो कि जो छापे पड़ते हैं,
कुछ ऐसी बातें हो रही जिससे मैं दुख होता है। राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़े हैं, महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, और शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत से हम सब रहे आपस के अंदर सभी लोग, ये एक पहचान हमारे देश की है। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी फैकल्टी का चयन हुआ है, देश के अंदर जैसा भी विश्वविद्यालय थे, इस विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, इस प्रकार की सोच के साथ वे इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज भूमिका बहुत बड़ी है वकीलों की। आज जो हम लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उनकी रक्षा के करना काम भी वकीलों का होता है। जो वकील यहाँ बनेंगे पढ़े करके यहाँ बनने के बाद में, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज़ादी जंग के अंदर भी वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी थी। मोतीलाल नेहरू वकील थे, महात्मा गांधी खुद वकील थे, बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, बाबा साहब तो थे, संविधान निर्माता थे, तो उस जमाने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है वकीलों की। आज भी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो वकील समुदाय हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे कि देश में कानून का राज स्थापित रहे, जुडिशियल पर दबाव कोई नहीं डाल सके, किसी की सरकार हो, किसी पार्टी सरकार हो, जुडिशियल पर विश्वास होता रहूँगा, भाई कहीं न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, तो हम न्यायालय में चले जाएंगे। वो अधिकार जो मिला हो आपको, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम लोगों ने जो अभी वक्त नहीं है, रात का समय हो रहा है, महिलाओं को भी जाना है, घर संभालना है, इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने कई स्कीमें लागू करी आपके यहाँ, रोजगार दे दिया शहरों के अंदर भी, चिकित्सा सेवाएँ फ्री कर दी, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएँ फ्री, जाँचें फ्री, 10 लाख का बीमा फ्री कर दिया आपके लिए, पूरे प्रदेश के लिए 5 लाख का ऑक्सीजन का बीमा उसके अंदर शामिल है, और तमाम तरह के इलाज फ्री है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी को, किडनी का या लीवर का, तो 10 लाख रुपये लोगे या 15 लाख लोगो, 10 लाख के बीमे के अलावा सरकार आपको देगी, आपको इलाज करवाएगी, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, संभवतः दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ आपका हर इलाज महंगे का महंगा 10-20 लाख का भी सरकार करवाए। तो हमारी स्कीमों में कमी नहीं है, रोजगार शहरों में लग गया, आज तुम्हें भोजन मिल रहा है शहरों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे हम लोग। स्कीम हमारी बहुत शानदार है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है हम लोगों ने, बिजली के बिल कम किए हैं आप लोगों के लिए, इस प्रकार से छात्रों को, युवाओं को जो मिडिल क्लास के हैं, दलित वर्ग के हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करिए, किस प्रकार से वो कोचिंग कर सके फ्री के अंदर, विदेश जा सके। तो कहने का मतलब तमाम तरह की हमने स्कीमें लागू करी है। अब मौका है अभी विश्वविद्यालय से शिलान्यास है, इसलिए मैं इतना ही जाना चाहूँगा, ये आपका विश्वविद्यालय गंगा बहन ठीक कह रही थी कि यहाँ पर इस तरह होना चाहिए, और कहीं जा रहा था, मेरी भी इच्छा यही थी, और मैं समझता हूँ कि सही जगह पर 2 विश्वविद्यालय पास पानी बन रहे हैं, और बगरू के अंदर अभी कहा गया कि कोई मांगा है काम जो दिया गया है इनको, गंगा बहन बहुत खुश है और आप लोग बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं कि यहाँ पर जो जो विकास की बात की गई तमाम पूरी हुई है, खाली अब एक बिस्तर पानी की मांग बाकी भर गई आपकी, और वो मांग भी बिस्तर में पानी की कमी है, थोड़ा वक्त लग रहा है, पर मेरा प्रयास है कि किस प्रकार से बगरू के लोगों को, जो राजधानी का एक पार्ट है, मैं तो बगरू में सपना देखता हूँ, मेट्रो रेल तक का सपना देखता हूँ, तो पानी ठीक देखता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि चाकू हो, बगरू हो, चौमू हो, आस पास के इलाके जितने भी हैं, बस्ती हो, आने वाले वक्त में कभी कोई मेट्रो चले, जिससे कि पूरा जयपुर राजधानी है चारों ओर से
इस प्रकार जुड़ रहा है कि ट्रैफिक जाम नहीं रहे। अभी ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या जयपुर के अंदर भी है, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब बगरवासियों को। आप सब पधारे हो दूर दूर से, आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। ये विश्वविद्यालय अगले साल से, मुझे विश्वास दिलाया गया है भजनलाल जी और इनकी टीम द्वारा, कि अगले साल से जो सेशन है लॉ यूनिवर्सिटी के और हरदेव यूनिवर्सिटी के, दोनों सेशन यही शुरू होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों भवन बन के तैयार हो जाएंगे और उद्घाटन के वक्त मुझे आना पड़ेगा, मैं आऊँगा आपके बीच में। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें आप सुन रहे थे, संबोधन अपना दे रहे थे और बहुत सारी बातें उन्होंने कही बगरू को लेकर, कि कौन कौन सी सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया। तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी वो बोले। उन्होंने कहा शाम हो रही है, महिलाओं को जाना होगा, और लेकिन अगर आप जाने कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार जो है वो लगातार कार्य कर रही है, संविधान के आधार पर ही लोकतंत्र कायम है। मानगढ़ में मोदी को मैंने कहा कि आपका सम्मान होगा और हो रहा है, और लगातार इस तरह संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आपने सुना। एक छोटे से ब्रेक